वेलकम एवरीवन। कल हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के दो कॉन्सेप्ट बचे, इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमने जो कल किए उसके कॉन्सेप्ट किए उसके क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन पहले से ट्राई करना है ताकि आपको और अच्छे समझ आए। MNP लिमिटेड सोल्ड 275,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एट 37.5 पर यूनिट। ठीक है, सेल प्राइस दे रखी है पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 17.5 पर यूनिट, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 14 एंड सेलिंग है तो 3.5 पर यूनिट है। फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड यूनिफॉर्म दे थ्रू आउट द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 35 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 15 लाख। देर इज नो बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री रिक्वायर्ड। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्वान्टिटी एंड कैश ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्वान्टिटी। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें कितनी फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है साहब? 35 लाख रिकवर करनी है। एक यूनिट में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? सेल प्राइस हमारी 37.5, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 17.5। तो पर कॉस्ट हम कितना रिकवर कर रहे हैं? 20 रुपीज हम रिकवर कर रहे हैं। तो डिवाइडेड बाई 20 क्या हो जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। और कैश ब्रेक इवन पॉइंट के लिए डेप्रिसिएशन हटा देंगे, मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस हटा देंगे, तो बाकी बचेगा 20 लाख भाई 35 लाख टोटल है, जिसमें से 15 लाख आपकी नॉन कैश आइटम है। तो कैश एक्सपेंस कितना हो गई? कैश फिक्स कॉस्ट होगी 20 लाख पर यूनिट। आप 20 कमाते हो तो आपका 1 लाख यूनिट है जो सेल करनी है। क्लियर है? उसके बाद में यहाँ पर आइए इलस्ट्रेशन थर्ड पे। फॉलोइंग पर्टिकुलर दे रखें आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करनी है। सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20,000 जो है वो कैलकुलेट करनी है। फिक्स कॉस्ट दे रखा है आपको 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट 15 पर यूनिट और सेलिंग प्राइस 30 पर यूनिट। अब देखो ऐसे वैसे में आपको नहीं दे रखा है कि यूनिट बतानी है सेल्स वैल्यू बतानी, तो आप दोनों बता दीजिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको क्या करना है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी? 1,50,000 और पर यूनिट हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 15। तो कितना हो जाएगा? 10,000 यूनिट। ये क्लियर है? और वो पूछ रहेगी बी पॉइंट में, पूछ रहेगी आपको 20,000 का अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देखो दोनों तरीके से कर सकते हो। कैसे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहिए साहब 20,000, फिक्स कॉस्ट के रिकवर करने हमने 1,50,000, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना चाहिए? 1,70,000। एक यूनिट पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? 15 रुपये, 15 रुपीज़ है। तो 1,70,000 को अर्न करने के लिए कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी डिवाइडेड बाय 15। तो ये हो गया 1,70,000 डिवाइडेड बाय 15। कितनी आ रही है? 1,333 ऐसा आ रहा है क्या? एक से ना 1,70,000 डिवाइडेड बाई 15 कितनी आ रही? 11,333 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 30, 3,40,000 ये सेल अमाउंट है जो आ जाएगा। और यूनिट अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे कर दोगे? 3,40,000 डिवाइडेड बाई 30, तो ये 11,333 ऐसा आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? इसके अंदर कोई डाउट नहीं आएगा। एक कंपनी है जो पीवी रेशियो 40%, कंप्यूट बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट सेल बी इंक्रीज टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेल प्राइस। वो कह रहा है कि एक कंपनी उसका पीवी रेशियो 40% है, ठीक है, मतलब सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। वो कह रहा है कि 40% है, मतलब 100 की अगर सेल है तो कंट्रीब्यूशन होता है 40, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 16। अब वो क्या कह रहा है? बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट सेल बी इंक्रीज टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेल प्राइस। अब सेल प्राइस 100 की जगह 20% कम हो जाएगा, मतलब कि सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? 80। ये कितना है? 16। तो 80 की सेल पे आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 20 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ठीक है। आपको कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए? 40। ऑफसेट करना मतलब सेम सिचुएशन होनी चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन चाहिए 40। तो 80 की सेल पे कितना मिलता है? 20। समझ आ रही बात? तो 20 की कंट्रीब्यूशन के लिए सेल करनी पड़ती है 80 की, तो 1 के लिए 80 डिवाइडेड बाई 20, तो आपको 40 के लिए कितने की सेल करनी पड़ेगी? 160, ठीक है। तो सेल में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 100 से कितना बचाना पड़ेगा? 160, मतलब 60% का इंक्रीज आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? वैसे इजी है, इसके अंदर भी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है।
PQR Limited has furnished the following data for the 2 years. Sales दे रखी है 2013 की, PV ratio दे रखा है और margin of safety दे रखा है. दे और 2014 की सेल नहीं दे रखी है, PV ratio दे रखा है, margin of safety दे रखा है. There has been substantial saving in fixed cost in the year 2014 due to restructuring process. Okay. Company could maintain its sales quantity level of 2013 in 2014 by reducing selling price. Okay, रह गया. सेल क्वांटिटी हम उतनी ही सेल किए हैं हमने 2014 के अंदर भी जितने 2013 के अंदर, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमारी सेल प्राइस है तो उसको क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा. ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग सेल्स फॉर द 2014 इन वैल्यू, फिक्स कॉस्ट फॉर 2014, ब्रेक इवन सेल्स फॉर 2014 इन वैल्यू. अब देखो क्वेश्चन में काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, देखते हैं. देखो जब भी क्वेश्चन आए पहले तो क्वेश्चन को तोड़ो. तोड़ो कैसे, 2013 के डाटा दे रखे हैं. अब 2013 की जो सेल है क्या हम उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, टोटल सेल्स को. ये आपका इधर 2014 का है, ठीक है. दो हिस्सों में कौन से, ब्रेक इवन पॉइंट तक की सेल, एमओएस की सेल और टोटल सेल. यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट, एमओएस और टोटल सेल. ब्रेक इवन पॉइंट कितना है यहाँ पर, यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, ये कितना है 40%. टोटल सेल्स हो गई 100, तो ये 40% ये है, तो बीईपी कितने पे, 60%, ठीक है. जबकि यहाँ पर क्या हो गया, 100 ये वो क्या कह रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हमारा 21.875% है. तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 21.875, तो ये हो गया 78.125%. यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक कोई आपको डाउट. अब इसके बाद में बेसिक इक्वेशन पे चलते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हो गया आपका फिक्स कॉस्ट और ये हो गया आपकी प्रॉफिट. क्लियर है. अब देखो 2014 के अंदर क्या दे रखा है, 2013 की सेल दे रखी है, क्या आपने को और कुछ दे रखा है क्या, नहीं. 2013 की उसने कहा कि टोटल सेल दे रखी है आपकी, ये हो गया सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट और ये आपका हो गया प्रॉफिट. यहाँ तक की बात क्लियर है भाई, ये हमने इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ा. क्लियर. 2013 में वो क्या कह रहा है, टोटल सेल हमारी कितनी है, 8 लाख. और क्वेश्चन ने कहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 40%, तो 8 लाख का 40% कितना हो गया, 3,20,000 किसकी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल है. और ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे हो जाएगा, 8 लाख में से 320 ये हो गए, तो बाकी कितना बचे, माइनस 8 लाख, 4,80,000 आपकी ब्रेक इवन पॉइंट की. यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है, ये तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है. उसके साथ उन्होंने कहा पी वी रेशियो हमारा कितना है, 50% है. पी वी रेशियो यहाँ कितना है, 50% है, मतलब कि जितनी सेल है उसका 50% आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट. तो 480 का 240, 160 टोटल हो गया 4 लाख. तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 240, 160 एंड 4 लाख. ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट नील, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट नील, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 2,40,000. और यहाँ कितना आ गया, 1,60,000, ये हो गया 240 और 160. 2013 के डाटा हमने पूरे पता कर लिए. देर हैज बीन, अब देखो क्या 2014 फिक्स कॉस्ट सेम है क्या, नहीं. देर हैज बीन सब्सटेंशियल सेविंग इन फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के अंदर चेंज आ गया, ठीक है. किसमें चेंज आया, फिक्स कॉस्ट चेंज हो चुकी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस की वजह से. और कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल्स क्वांटिटी बाय रिड्यूसिंग इट्स सेल्स प्राइस, और सेल्स प्राइस भी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, ठीक.
वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कुछ कहा गया नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या मानेंगे, पर यूनिट सेम ही रखेंगे कि भाई चेंज नहीं है। लेकिन क्या टोटल सेल्स वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है क्या, नहीं टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी है। अब 2014 के डाटा में तो हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम कैसे करें। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी, ये क्या कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है और क्वांटिटी वो कह रहे हैं कि 2014 में भी हमने उतनी सेल की है जितनी 2013 के अंदर की है। तो अगर ऐसा पता चल गया तो आप ये कह सकते हो क्या कि अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हुई है और क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2014 में भी वही होगी जो 2013 में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज नहीं हुई और सेल क्वांटिटी जो है वो भी चेंज नहीं हुई, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या ये लिखा जा सकता है यहाँ पर, क्लियर। अब ये लिखने के बाद में आपको क्या कह रहा है वो, पीवी रेशियो 37.5%, मतलब कि यहाँ 37.5% अगर 100 की सेल होती है तो कंट्रीब्यूशन होता है 37.5, तो ये कितना होगा 62.5। अब टोटल सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब तो बहुत आसान हो गया, टोटल सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 4 लाख जो है वो कितने के बराबर है, 62.5 के बराबर है। तो टोटल सेल 100 के बराबर कितना हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाई 62.5 × 100, टोटल सेल कितने की हो जाएगी, 6,40,000, क्लियर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 21.875% मल्टीप्लाई बाई 21.875% कितना हो गया, ये 1,40,000 क्या हो गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बाकी कितना बचा, 4 लाख आपका कहाँ हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल हो जाएगा, 4 लाख में 5 लाख हो जाएगा, 46 में से 41 गए तो कितने बचे, 5 लाख, ठीक है। फिर पी वी रेशियो दे रखा है तो वेरिएबल कॉस्ट और बाकी सारे निकल जाएंगे, क्लियर। यहाँ पर ये नील हो जाएगा, यहाँ ये नील हो जाएगा, आगे सारी कैलकुलेशन आप कर लोगे, क्लियर। ब्रेक इवन चार्ट आ गया, यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा फॉर 2017 ऑफ रियो कंपनी लिमिटेड, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 60,000, फिक्स कॉस्ट है 30,000, नेट प्रॉफिट है 10,000 और सेल्स है 1 लाख, परसेंटेज दे रखे हैं, देखते हैं क्या परसेंटेज कहाँ काम करते हैं। आपको पता करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे, पीवी रेशियो कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, कहीं कोई दिक्कत आएगी क्या, ऐसे तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो सेल्स जो है वो कितनी है, 1 लाख की है, ठीक है, लेस वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 60,000, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 40,000, लेस फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखा है, 30,000, प्रॉफिट कितना है, 10,000, क्लियर। पूछा गया है सबसे पहले, से पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स कॉस्ट 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन कितना है, 40,000 है, सेल कितनी, 1 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना, 40%, तो ये कितना हो जाएगा, 40%, 30,000 डिवाइडेड बाय 40%, सेकंड में पीवी रेशियो 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन कैसे होती है, वहाँ पर फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, क्लियर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर। तो S माइनस वी, सी माइनस एफ और पी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कैसा होगा, ये नील हो जाएगा, तो प्रॉफिट जो होगा वही क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सीधा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करते हो, सेल्स निकल जाती है, तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए 10,000 डिवाइडेड बाय 40%, सॉरी 10,000 डिवाइडेड बाय 40% करोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगी। प्रिपेयर प्रॉफिट ग्राफ, ग्राफ का वैसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा नहीं, ए कंपनी अर्न्ड ए प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर 2014, इफ द मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 8 and 10 रेस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब वो क्या कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, 30,000 है, ठीक है, और उसकी सेल प्राइस जो है वो 8 है, और सॉरी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 8 है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10 है, तो पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लो पहले, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाय सेल्स 10 × 100 कितना हो गया,
20%। फिर वो कह रहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्लियर। ए लिमिटेड मेंटेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 37.5% विद ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ 40%। इफ फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंटेड टू रुपीज 5 लाख कैलकुलेट द फॉलोइंग। देखो एक तो दे रखा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो 37.5%। जैसे दिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज, वैसे आपको क्या पता चल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलकर क्या बनते हैं 100%। तो 100 में से 37.5 मार्जिन का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, तो ब्रेक इवन पॉइंट का कितना हो गया 62.5। क्लियर है। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या कर देता है क्वेश्चन वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स भी दे सकता है, तो उससे पीवी रेशियो कैसे देखा, जैसे क्वेश्चन दे देता वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो जो है वो हमारा 60%। इसका मतलब क्या हुआ, सेल का वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60%, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 40%। पीवी रेशियो 40% दे रखा, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 5 लाख, तो ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए तो क्या कर दोगे 5 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, कितना है पीवी रेशियो 40%, 5 लाख डिवाइडेड बाय 40% कितना हो गया 12,50,000। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स के लिए अपने को क्या चाहिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट दोनों चाहिए, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, वो तो काम आएगा नहीं। तो इन्होंने एक और हिंट दिया है कि ब्रेक इवन पॉइंट है 62.5% और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5%। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये कितने पे है 62.5 पे, तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल सेल होगी आपकी 20 लाख। क्लियर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसमें से क्या कर दो इसका 60% कर दो, 40% पीवी रेशियो, तो 60% हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 लाख हो जाएगा। करंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 20 लाख का 40% 20 लाख का 40% तो कंट्रीब्यूशन हो गया 8 लाख, और 8 लाख में से 5 लाख आपके प्रॉफिट के चले गए, तो करंट प्रॉफिट 3 लाख हो गया। न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 7.5%। वो कहता है कि अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, सेल प्राइस पर यूनिट के अंदर चेंज नहीं आ रहा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के अंदर चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी बढ़ रही, तो पीवी रेशियो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो नई सेल कितनी हो जाएगी, नई सेल कितनी हो जाएगी 20 लाख प्लस 7.5%, ये कितना हो जाएगा 21 लाख 50,000। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा इसका 40%, कितना हो गया 8,60,000। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज बताया है क्या अभी, नहीं कोई चेंज नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 3,60,000। अब देखो अगर हम ये करके आते हैं और फिर हम कहते हैं कि सर हमारे मार्क्स नहीं आए, तो जरूर नहीं आएगी। कारण क्या है, क्योंकि पूछा गया सबसे पहले, से पहले आप ये चीज़ ध्यान से देखिए, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपसे क्या पूछा गया कि नई मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए, एब्सोल्यूट वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 7.5%। तो नई मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी 21,50,000 की आपके टोटल सेल हो जाएगी, जिसमें से मार्जिन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे, ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे था 12,50,000। तो जो एडिशनल है वो कितना है 21,50 - 12,50,000 कितना होगा 9 लाख। तो न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना 9 लाख। क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना वो ये होता है कि रिक्वायर्ड, इसके बाद में लिखा जाता है ना कैलकुलेट द फॉलोइंग या रिक्वायर्ड द फॉलोइंग, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पर पूछा गया है। देखिए जो क्वेश्चन से आप आंसर क्या क्या बना सकते हो वो बना के उसको मत फेंक दीजिए, क्वेश्चन ने जो पूछा है उसके लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन पिक कीजिए, और फिर आपका आंसर है जो लिखिए, तब आपको मार्क्स मिलेंगे 100%, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है कि न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आपको न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही बताना है। क्लियर। अब ये किया मैंने, किया ये सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है, समझ आ रही बात। अगर मैं आपसे कोई किसी से जोधपुर का एड्रेस पूछूं, आप मुझे अजमेर का सही एड्रेस बता देंगे, तो मेरे वो कोई काम का है नहीं। क्लियर। वो एड्रेस सही होने पर भी मैं आपको कोई धन्यवाद दूंगा नहीं, समझ आ रही बात। कारण क्या, क्योंकि मैंने आपसे पूछा नहीं, तो जो क्वेश्चन ने पूछा है वही आपको कैलकुलेट करके उसको देना है। बाय नथिंग पीवी विल चेंज, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, ए कंपनी कैन मेक एनी ऑफ थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर. रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट ईयर इस तरीके से दे रखा है. कंप्यूट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है क्या? देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव. सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव समझिएगा, जैसे मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मैं कोई और जगह छोड़ रहा हूँ. अगर मैं अभी यहाँ क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ बैठा हूँ, समझ आ रही बात? मैं ऑफिस के अंदर बैठ सकता था, उसकी जगह मैं यहाँ पर क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो जो ऑफिस से मुझे रेवेन्यू आ सकता था वो मैंने छोड़ा, तो वो क्या कहलाएगी? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. समझ पा रहे हो? जैसे आपके पास एक घर है, उसे आपने रेंट पर दे रखा है सपोज 50,000, क्लियर है? और अब आप उसमें बिजनेस करना चाहते हो. अगर आप उसमें बिजनेस करना चाहते हो, अगर बिजनेस करोगे खुद तो क्या किराया मिलेगा? नहीं सर, उस केस में नहीं मिलेगा. तो ये जो पैसा आ सकता था वो नहीं आएगा, और पैसे का ना आना भी क्या माना जाता है? पैसे का जाना माना जाता है. तो इसे क्या कहा जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा तो बेस्ट अल्टरनेटिव, सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव. अब इस जगह को मैं रेंट पे देने की जगह शादियों के लिए भी दे सकता था, जहाँ मुझे मंथली 40,000 मिलते हैं. तो मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको मांगूंगा? 50,000 को, जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है. क्लियर है? यहाँ तीन प्रोडक्ट है, एक्स वाई और जेड. सेल प्राइस दे रखी है 10, 12, 12, और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 6, 9, 7. मार्केट डिमांड है 3,000, प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2,000. देखो मार्केट की डिमांड है 3,000, लेकिन हम प्रोड्यूस कितना कर सकते हैं? 2,000 ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हम कितना प्रोड्यूस करेंगे? 2,000 ही. यहाँ 3,000 प्रोडक्शन कैपेसिटी, लेकिन मार्केट डिमांड 2,000 है, तो हम कितना कर बनाएंगे? 2,000. ऐसा नहीं कि हम बना सकते 3,000, इसलिए बना के रख देंगे. समझ आ रहे हैं? क्योंकि मार्केट अगर मांग ही 2,000 रहा है, 2,000 मांग रहा है, तो हम 2,000 बनाएंगे. और यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी 900, मार्केट के अंदर डिमांड 1,000, तो हम कितना बना पाएंगे? 900. तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होगा. अगर हम ए बनाते हैं तो ए के 2,000 यूनिट बनेगी, और एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? 10 में सेल करेंगे और 4, 6 उसकी वेरिएबल कॉस्ट लगी, तो 2,000 × 4 यहाँ कितना होगा कंट्रीब्यूशन? 8,000. यहाँ सेकंड वाले में कितना है? 2,000 × 3 कितना? 6,000. 12 − 7 कितना? 5 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन, 900 यूनिट, तो 45. अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करेंगे, अगर x के लिए देखेंगे, अगर x के लिए देखेंगे तो x के अलावा और कौन कौन सा ऑप्शन है? y और z. y और z में से बेस्ट कौन है? कहाँ ज़्यादा मिल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन? y में. तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 6,000. अगर हम y पे जाते हैं, अगर हम y बनाते हैं, तो हमारे लिए दो ऑप्शन कौन से छोड़ने पड़ेंगे? x और z छोड़ने पड़ेंगे. x में 8,000 का, z के अंदर 4,500 का. तो बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है? एक्स. तो यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी देगी? 8,000. और जेड की बात करें तो यहाँ 4,500 हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा अगर जेड पे जाएंगे तो, लेकिन उसके लिए हमें एक्स और वाई दोनों को छोड़ना पड़ेगा. एक्स में 8,000 और वाई में 6,000. तो हमारे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है? एक्स. तो यहाँ कितना मानेंगे हम? 8,000. इज इट क्लियर? एम के लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल ए सिंगल प्रोडक्ट एक्स, वो सेलिंग प्राइस इज 40 per unit and variable cost is 16 per unit. If the fixed cost for the year is 480,000 and annual sales are at 60% margin of safety, calculate the rate of return on sales assuming the income tax level at 40%. देखो थोड़ा सा अलग दे रखा है यहाँ पर. क्या कहा? सेलिंग प्राइस दे रखी है 40 rupees पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 16 पर यूनिट. तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया? 40 − 16 कितना हो गया? 24 rupees पर. इफ द फिक्स कॉस्ट जो 480,000 है, एनुअल सेल्स आर द 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 60% है. तो ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे है? 40% पे. क्लियर? कैलकुलेट द रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन द सेल्स एज्यूमिंग द इनकम टैक्स लेवल एट द 40%. आपको पता करना है कि सेल पे कितना परसेंट हम कमा रहे हैं, ठीक है? जबकि 40% जो आपका प्रॉफिट होता है वो इनकम टैक्स में चला जाता है. अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट की सेल कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो से
कैलकुलेट कर लो। पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन कितना है 24 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है 40 इंटू 100 कितना हो गया 60%। पीवी रेशियो कितना है 60%, तो ये कितना हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट कितनी है 4,80,000 डिवाइडेड बाय 60%, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 60% कितनी होगी, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल 8,00,000। हमें तो क्या करना है, टोटल पे कैलकुलेट करना है। बीईपी कितना है 40% है, तो टोटल सेल कितनी होगी 8,00,000 जो है वो कितना है 40% है, तो डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 100 तो टोटल सेल आपकी कितनी आ जाएगी 8,00,000 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना हो जाएगा 20,00,000। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया कैलकुलेट द रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल अज्यूमिंग द इनकम टैक्स लेवल इज 40%, तो आप क्या कर दोगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट माइनस इनकम टैक्स और ये नेट प्रॉफिट। अब देखो सेल कितने के 20,00,000 की है, क्लियर है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग जाएगी, पीवी रेशियो 60% मतलब 20 का 60%, ये कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 12,00,000, तो ये हो गया 8,00,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई, भाई 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 फिक्स कॉस्ट 4,80,000 4.8,00,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया 12 माइनस 4.8 कितना हो गया 7.2,00,000। इस 7.2,00,000 का क्या हो जाएगा 40% है जो लेके चला जाएगा माइनस 40%, तो नेट हमारे पास कितना बचेगा 4.32,00,000। अगर आप ये यहाँ तक भी करके देते हो तो भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पूछा गया कैलकुलेट द रेट, आपसे क्या पूछा गया पता कीजिए क्या कितना परसेंटेज है, तो 4.32,00,000 हमारा नेट रिटर्न बचता है कितने पे 20,00,000 की सेल पे डिवाइडेड बाय 20 तो 21.6%। ये अगर आप आंसर लिखते हैं तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्लियर। देख लीजिए मैं इसीलिए यहाँ पर आपको रेफर क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको ये चीज़ें भी समझ आएगी। देखो इन्होंने लास्ट जो नेट किया वो क्या किया, आंसर कहाँ खत्म किया, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था वहाँ पर खत्म किया, क्लियर। फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रपोज टू एड अनदर प्रोडक्ट वाई हुज सेलिंग प्राइस जो है उसकी सेलिंग प्राइस है जो 50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट अमाउंटिंग टू ₹66,660। सेल्स मिक्स ऑफ एक्स एंड वाई 7:3 डिटरमाइन एट वॉट लेवल सेल्स इन नेक्स्ट ईयर वो डैम के ब्रेक इवन पॉइंट, क्यों सेपरेटली फॉर बोथ एक्स एंड वाई ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड क्वान्टिटी। देखो एक तो उसने टोटल ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, एक दोनों का अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट पे दोनों के अलग अलग क्वांटिटी कितनी सेल होगी और कितने रुपीज में होगी, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो कंबाइंड पीवी रेशियो से या बॉक्स बना के कर दीजिए। अगर बॉक्स के हिसाब से करें तो एक बॉक्स के अंदर क्या करेंगे 7 यूनिट तो किसकी है एक्स की है और 3 यूनिट वाई की है। एक्स की एक यूनिट पे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, एक्स की एक यूनिट पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 24 और वाई की एक यूनिट पे कितना है 50 में सेल कर रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट कितनी 10 40। ठीक है, तो इस टोटल इस बॉक्स से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 7 × 24 कितना होगा 168 और 3 × 40 120, तो 120 प्लस 168 टोटल आपका कितना हो जाएगा 288। एक बॉक्स से कितने का मिलेगा 288 का कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको कितना कवर करना है टोटल, टोटल फिक्स कॉस्ट वो कितने बता रहे हैं 4×6,00,66,66,00 डिवाइडेड बाय 288, तो कितने बॉक्स सेल करने होंगे 2314.58। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें x की कितनी यूनिट और y की कितनी यूनिट 2314.58 मल्टीप्लाई बाय एक बॉक्स के अंदर कितनी यूनिट है 7 यूनिट है, तो ये यूनिट्स आ गए, यूनिट्स कितनी होगी मल्टीप्लाई बाय 7
16202 और यहाँ कितनी हो जाएगी 2314.58 मल्टीप्लाई बाय 3 2314.58 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगी इसकी 6943 और वैल्यू पूछे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16202 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने पे सेल हो रही है एक्स के 40 पे मल्टीप्लाई बाय 40 तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू में 6,48,080 ठीक है और 6943 मल्टीप्लाई बाय इसकी एक यूनिट कितने पे 50 पे तो ये हो जाएगी 347150 ठीक है राउंडिंग की वजह से थोड़ा सा चेंज भी आएगा क्लियर तो ये इस तरीके से 16202 और ये यूनिट है जो कैलकुलेट हो गई अब जितना इन्फॉर्मेशन पूछा है वो सारे बताना होगा डिटरमाइन व्हाट लेवल ऑफ सेल्स नेक्स्ट ईयर वुड बी एमके लिमिटेड वुड बी ब्रेक इवन पॉइंट टोटल सेल भी पूछी है तो आप इसको क्या कर दीजिएगा टोटल सेल भी लिख दीजिए और आप थोड़ा अगर और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप क्या कर दीजिएगा जो भी लिखा है वो पूछा है वो लास्ट के अंदर अलग से लिख दीजिएगा टोटल सेल्स ये फलाना एक्स की यूनिट्स एट बी ए पी एक्स और वाई 16202 और ये इसके यूनिट है और सेल्स वैल्यू एट बी पी एक्स और वाई ये तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे कोई दिक्कत होगी नहीं एक्स लिमिटेड सप्लाई स्पेयर पार्ट्स ऑन एयरक्राफ्ट कंपनी वाई लिमिटेड द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स फैसिलिटेट प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ठीक है द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट स्पेयर पार्ट ए एंड बी एक के लिए एक यूनिट के लिए अलॉय यूसेज है 1.6 kg और इसका भी 1.6 kg मशीन टाइम है ए का 0.6 और इसका 0.25 मशीन बी का 0.5 और 0.55 टारगेट प्राइस है इसकी 145 और इसकी 115 हॉर्स अवेलेबल मशीन ए की 4000 और इसके 4500 अलॉय अवेलेबल है 13,000 kg 12.5 वेरिएबल ओवरहेड जो ए के लिए 80 मशीन ए के लिए 80 पर और बी के लिए 100 आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट विच विल बी ऑप्टिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस आपको बताना है कि ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कौन देगा और इफ वायर लिमिटेड रिड्यूस टारगेट प्राइस बाय 10% एंड ऑफर 60 पर और फॉर अनयूटिलाइज मशीन और कैलकुलेट द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड अबो ठीक है अब वो सेकंड के अंदर एक और चीज पूछ रहा है अब पहले तो ये पता करना आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट विच विल ऑप्टिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस के इस प्राइस पे हमें ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किससे मिलेगा अब देखिएगा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि एक्स की यूनिट है कितनी बन सकती है और वाई की यूनिट है कितनी बन सकती है अपने पास टोटल अलॉय अवेलेबल कितना है 13,000 डिवाइडेड बाई 1.6 ठीक है तो अगर पार्ट ए बनाएंगे तो कितना बन मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना किया जा सकता है अलॉय कितना है अलॉय हमारे पास टोटल है 13,000 kg ठीक है अलॉय कितना है 13,000 kg और एक यूनिट बनाने में 1.6 चला जाता है तो हमारे पास अलॉय के हिसाब से हम कितना बना सकते हैं 18125 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते मशीन ए में कितना है मशीन ए के कितने 4000 और से और एक यूनिट के लिए 0.6 लगते हैं तो मशीन ए के हिसाब से हम कितना बना सकते हैं 6666 यूनिट ठीक है मशीन बी के हिसाब से हम कितने प्रोडक्शन कर सकते हैं मशीन बी में कितना 4500 है डिवाइडेड बाय 0.5 कितना 9000 क्लियर है यहाँ तक बात समझे कि भाई अलॉय अवेलेबल है 13,000 ए के लिए 1.6 चला जाता है तो 8125 यूनिट बनेगा 4000 यूनिट आवर्स अवेलेबल है मशीन ए के और एक के लिए 0.6 एक यूनिट के लिए 0.6 है तो कितने यूनिट बना सकते हैं मशीन ए पे अगर पार्ट ए ही बनाए तो 4 × 6 और मशीन बी के हिसाब से अगर देखें तो कितना बना सकते हैं 9000 तो अगर हम पार्ट ए को डिसाइड करेंगे तो हम कितना बना पाएंगे 8125 यूनिट या 666 यूनिट या 9000 यूनिट 6666 यूनिट क्योंकि इससे ज़्यादा मशीन ए के हमारे पास आवर्स अवेलेबल है ही नहीं अगर यहीं पर मशीन बी की बात करें तो मशीन बी में कितना हुआ 1.6 के हिसाब से कितना हुआ तो सेम ही आ रहा है टोटल अगर ये बनाएंगे पार्ट बी बनाएंगे तो भी टोटल 13,000 अवेलेबल है और उसमें भी 1.6 kg लग रहा है
मशीन ए के हिसाब से कितना बना पाएंगे, 4000 डिवाइडेड बाय 0.25, कितनी यूनिटें बना सकते हैं, 16000। और मशीन बी के हिसाब से 4500 डिवाइडेड बाय 0.55, 8181। एक बार वापस देख लें, 4500 डिवाइडेड बाय 0.5, 8181। तो इसकी अगर यूनिट बनाएंगे तो कितने बना पाएंगे, 8181 ही बना पाएंगे, उससे ज़्यादा सॉरी 8125 में बना पाएंगे, 8125, 8181 तो ज़्यादा, 8125 उससे कम है। क्लियर है? अगर हम पार्ट ए बनाते हैं तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, और पार्ट बी बनाते हैं तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, देख लेते हैं। अगर हम पार्ट ए बनाएंगे, ठीक है, तो अलॉय की कॉस्ट कितनी लगेगी, 1.6 केजी लगेंगे, और 1 केजी कितने गए, 12.5, तो अलॉय का कितने पैसे गए, 20, ठीक है। मशीन ए के कितने जाएंगे, कितना आवर्स लगेगा, 0.6, और पर आवर कितने रुपए लग रहे हैं, वेरिएबल ओवर हेड मशीन ए के 80 है, तो 0.6 इंटू 80 कितना हो गया, ये 48। मशीन बी के लिए कितना हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई पर मशीन बी की कॉस्ट कितनी, 100 है, तो ये 100 कितना हो गया, ये 50। तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 20 प्लस 48 प्लस 50, टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट एक यूनिट के लिए 118 लगेंगे, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 118 लगेंगे, और सेल कितने पे करेंगे हम, 145, तो कितने रुपए बनेंगे हमारे एक यूनिट पे, 27। वहीं पर अगर हम पार्ट बी डिसाइड करते हैं तो पार्ट बी के लिए भी वही अलॉय की कॉस्ट तो सेम ही है, कितनी है, 1.6 केजी लगेंगे, 1 केजी के लिए कितने लग रहे हैं हमारे, 12.5, तो यहाँ लग जाएंगे हमारे 20। मशीन ए के कितने, पर आवर कितने लगते हैं हमारे, 80, और कितने आवर्स दिए, 0.25, मतलब कि कितना हो गया ये, 20। और मशीन बी के लिए पर आवर कितने लगते हैं, 100, और यहाँ कितने लगेंगे, 0.55, और मतलब 55 रुपये, तो ये हो गए 55 प्लस 20 प्लस 20, ये हो गया आपके 95, ठीक है। ये हो गई टोटल कॉस्ट, ठीक है। सेल प्राइस कितनी है, 115, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 20 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें, टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम पार्ट ए बनाते हैं तो कितने यूनिट बनाए पाएंगे, 6666, ठीक है। 4 × 6 × 27, 179982, मतलब कि लगभग 180,000, ठीक है। और यहाँ कितना कंट्रीब्यूशन है, 20 मल्टीप्लाई बाय, अगर प्रोडक्ट बी बनाएंगे तो कितनी यूनिट बना पाएंगे, 8125, तो कितना, 20 मल्टीप्लाई बाय 8125, तो 160 to 500। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, यहाँ पर हमें कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा मिलेगा, 180,000। वैसे ही 180 है, क्यों 0.66 करते हैं, तो इसको 180 ही करते। क्लियर है भाई? ये तो वो आइडेंटिफाइज पे पार्ट विच विल ऑप्टिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो हम कहेंगे भाई एक्स को बनाओ, उससे आपको 180,000, और साथ में ये भी बता दो 160 to 500 से 180 कितना जाता है, कि अगर ए पे जाएंगे तो हमें 17,500 का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा मिलेगा। इफ वाई लिमिटेड रिड्यूस टारगेट प्राइस बाय 10%, अगर वो कहते हैं कि हम टारगेट प्राइस जो है उसमें क्या कर देंगे, 10% की कमी ले आएंगे, एंड ऑफर 60 पर आवर फॉर अनयूटिलाइज मशीन आवर, अगर वो कहते हैं टारगेट प्राइस को 10% से कम कर देंगे, तो 10% से कम कर देंगे, जहाँ कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट के अंदर कोई चेंज आ रहेगा नहीं, 95 टोटल कॉस्ट, ये ए और बी, टोटल कॉस्ट ए की कितनी है, 118, और बी की कितनी, 95, और नई सेल प्राइस क्या हो जाएगी, दोनों में 10% से कम ही हो जाएगी, तो 145 की जगह कितना हो जाएगा, 145 माइनस 10%, कितना, 130.5, और बी की कितनी है सेल प्राइस,
115, उसमें से भी 10% गया, कितना बचा 103.5। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया 118 माइनस 130.5, 12.5, क्लियर है। और यहाँ कितना हो गया 103.5 माइनस 95, कितना हो गया 8.5। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कितना हो सकता है, एक ही कितनी यूनिट सेल हो सकती है 66666.67, ठीक है, और इसकी कितनी हो सकती है 8125। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है 666.67 मल्टीप्लाई बाय 12.5, तो यहाँ कितना हो सकता है 883333, और यहाँ कितना हो सकता है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 8125, 69062.5। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ए को ही बनाएंगे, ठीक है। एंड ऑफर 60 पर और फॉर अनयूटिलाइज मशीन और, और वो कह रहा है जो मशीन और अनयूटिलाइज है। अब अनयूटिलाइज किसके अंदर, अगर 6 यूनिट बनाएंगे, ये 666 यूनिट बनाएंगे तो मशीन ये तो पूरी यूज हो जाएगी, क्योंकि मशीन ए के तो अपने पास टोटल अवेलेबल कितने 4000 और पर यूनिट बनाने में 0.6 और लगते हैं, तो कितने लगेंगे 66666 वो यूनिटों को बनाने में पूरे 4000 है जो चले जाएंगे। अब वाई के हिसाब से बन तो मशीन बी के हिसाब से तो कितने बन सकते हैं 9000, लेकिन हम यूनिट बना कितने रहे 6666, ठीक है 0.67, इतने यूनिट बना रहे हैं, और इसकी एक यूनिट बनाने में कितना आवर्स लगते हैं 0.5, तो हमारे कितने आवर्स लग जाएंगे 666.67 डिवाइडेड बाय 0.5, कितने आवर्स लगेंगे, एक सेकेंड है, सॉरी यहाँ पर अपने को कितनी यूनिट बनानी है, यूनिट प्रोड्यूस करनी है हमको 4 times 6, हमें यूनिट प्रोड्यूस करनी है 4 times 6, और एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम चला जाता है 0.5 hours, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड हॉर्स कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड हॉर्स कितने हो जाएंगे, एक घंटे में कितने बनती है 2 यूनिट, मतलब कितने हॉर्स चाहिएंगे 3333 हॉर्स चाहिए, क्लियर, समझ पा रहे हो भाई, यहाँ ध्यान समझिएगा। देखो टोटल अपने को यूनिट कितनी प्रोड्यूस करनी है 4 times 6, ठीक है, और 1 hour के अंदर मशीन भी कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही, 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, क्लियर है। पर और कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही, 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रही, तो 6666 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम चला जाएगा 4 times 3, ये जो है इतना टाइम चला जाएगा, जबकि मशीन भी का टाइम है कितना और अवेलेबल, अवेलेबल और कितना 4500, जिसमें से यूज और कितने, कितने और अपन यूज कर लेंगे 4 times 3, बाकी कितना बचा -4500, बाकी बचा 1167। वो कह रहा है जो बाकी हॉर्स बच रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं 60 rupees के हिसाब से किसी को सेल कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो इनको सेल करने से कितना मिल जाएगा 70,000 के लगभग मिल जाएगा। तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 69,000 तो ये और 70,000 तो ये, तो टोटल हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन उसके इसमें जाएगा प्लस 69,000 प्लस 70,000 139, क्लियर है, 67 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये इस तरीके से होगा। एक सेकंड, सेकंड के अंदर चेंज कैसे रहा, 666 मशीन ए 4000, मशीन बी 3000, ओहो सॉरी गलत लिख दिया क्या मैंने, 1167 मल्टीप्लाई बाय 60 70,000 रिडक्शन इन प्राइस कंट्रीब्यूशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट कहाँ, फर्स्ट 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 कहाँ,
सॉरी, देखो यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना है, ओ सॉरी 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 गलत जगह लिख दिया भाई, तो ए बना रहे थे ना, ए में जाता है तो 83,000 और ये 70,000 कितना हो गया, 83,333 प्लस 70,000 कितना हो जाएगा 153,333। क्लियर, मशीन ए बनाई उससे कंट्रीब्यूशन मिलेगा 83,333 और 70,000 स्पेयर और सेल करके मिल जाएगा, तो टोटल हमारा 153 इतना मिल जाएगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर द लिमिटेड वर्क आउटपुट 12.5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द रिलेवेंट फिगर आर एच अंडर, इस तरीके से दे रखी है, सेल्स दे रखी है, डायरेक्ट मेटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। द न्यू सेल्स मैनेजर हु हैज जॉइन इन द, ये नालायक गलती करेगा, द कंपनी रिसेंटली एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर ए प्रॉफिट अबाउट टू 23% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 10% एंड साइमल्टेनियसली देर इज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ 4%। वो क्या कह रहे हैं, एक तो आप क्या करो सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाओ 10% से और सेल्स प्राइस को 4% से, ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट बाय 2%, और वो कह रहा है कि सारों में क्या कर दो 2% से कम कर दो कॉस्ट के अंदर। फाइंड आउट द कंप्यूट द डिटेल, अब हमने कल एक कसम कही थी कि वेरिएबल कॉस्ट को हम पर यूनिट में देखेंगे, सेल प्राइस को हम पर यूनिट के नज़र से देखेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि इसको पर यूनिट के नज़रों से देखो, नहीं, क्योंकि आपने को ना तो सेल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है ना सेल प्राइस दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखा आपको, टोटल दे रखा ना क्वान्टिटी दे रखी, तो क्या सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के नज़रों से देखी जाएगी क्या, नहीं। अब देखो ये हो गया सेल्स लेस डायरेक्ट मटेरियल लेस डायरेक्ट लेबर लेस वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड है ही नहीं क्या, प्रॉफिट ऑफ द आर द लिमिटेड, अच्छा प्रॉफिट दे रखा है, तो ये तो पहले तो इसको इक्वेशन को पूरा कर लेते हैं, 5 लाख जिसमें से डायरेक्ट मटेरियल का कितना गया 2,50,000 और डायरेक्ट लेबर का कितना गया 1 लाख और वेरिएबल ओवरहेड का कितना है 40,000, तो कितना बचा कंट्रीब्यूशन 250 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 390 माइनस 1,10,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट ऑफ वर्क आउट 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 4 लाख, इसका 12.5% कितना हो गया 4 लाख का 12.5% कितना हो गया 50,000 माइनस लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट वो कितना कह रहे हैं कि 50,000 का, मतलब ये कितनी होगी फिक्स कॉस्ट 60,000। यहाँ तक को आपको कोई दिक्कत आई है, या तो हमने पीछे वाले जो डाटा थे लास्ट ईयर के वो हमने सही किए, अब हम सॉरी इस साल के डाटा सही किए, अब नेक्स्ट ईयर के अंदर वो क्या कह रहा है कि हमारी सेल्स वॉल्यूम है जो 10% से बढ़ेगी, सेल प्राइस है जो 4% से बढ़ेगी और कॉस्ट के बाकी जो सारे कॉस्ट के एलिमेंट हैं वो 2% से बढ़ेगी। अब वेरिएबल कॉस्ट और सेल प्राइस तो हमें पर यूनिट में चाहिए, लेकिन नहीं दे रखा है, अब नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, जेड करने से तो रहे कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। अब देखो सेल प्राइस, करंट सेल प्राइस के हिसाब से सेल कितनी 5 लाख, लेकिन अगले साल क्या हो जाएगा इसमें 10% क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्लियर है, सेल कितने से बढ़ रही है इंक्रीज बाय 10%, तो अगले साल सेल कितनी होगी 5 लाख की जगह 5 लाख प्लस 10% कितना 5,50,000, क्लियर है, लेकिन क्या 5,50,000 में 5,50,000 मिलेंगे क्या, नहीं, हमारी सेल प्राइस कितने से बढ़ जाएगी 4% से सेल प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो ये 5,50 जिनके मिलने चाहिए थे उस पर मिलेंगे कितने 5,50 प्लस 4% 5,72,000। एक बार ध्यान समझ लीजिए, इस साल 5 लाख की सेल है, अगले साल 10% ज़्यादा होगी, मतलब कि 5,50,000 की सेल होगी, लेकिन 5,50,000 पर मिलेगा कितना, आज जो सेल प्राइस अगर 100 है तो वो कितनी हो जाएगी 104 हो जाएगी, 104 हो जाएगी, तो मतलब 4% सेल प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो सेल्स रेवेन्यू में टोटल कितना मिलेगा 572। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर यहाँ वेरिएबल कॉस्ट दो दे रखी है, दोनों का अलग अलग लिख देते हैं, डायरेक्ट मेटेरियल
डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, और ये यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन 250,000 है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज दिखाएगा, लिखा है कि भाई कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बाय 2%, हर कॉस्ट के एलिमेंट पे 2% से कमी होगी, तो हम क्या करते हैं माइनस 2% करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमने एक बात बहुत ज़्यादा बार बोली थी कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज होते हैं प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल 10% से ज़्यादा होगी, मतलब वॉल्यूम 10% से बढ़ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, 10% से इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ रही है, जिस प्रोपोर्शन में वॉल्यूम चेंज होगा, प्रोडक्शन चेंज होगा, उसी प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। तो आपका नेक्स्ट ईयर में कितना होना चाहिए, 250,000 प्लस 10% कितना होना चाहिए, 275,000। लेकिन 275,000 की जगह लगेंगे कितने, उसमें से 2% क्या मिल जाएगा आपको, कॉस्ट के अंदर कमी आ जाएगी, माइनस 2%, तो कितना हो जाएगा, 269,500। इज इट ओके। डायरेक्ट लेबर की बात करें, 10% बढ़ेगा, कितना आ जाएगा, 110,000, लेकिन 110,000 की जगह आपको लगेगा कितने, माइनस 2%, 110,000 माइनस 2%, 107,800, कितना, 107,800। वेरिएबल ओवरहेड 40,000 है, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 10%, तो कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 10%, कितना होगा, 44,000। लेकिन इसमें से भी क्या हो जाएगा, 2% रिडक्शन हो जाएगा, तो 44,000 माइनस 2%, 43,120, कितना हो जाएगा, 43,120 प्लस 107,800 प्लस 269,500 माइनस 572, तो ये आ गया आपका 151,580, ठीक है। फिक्स कॉस्ट 10% प्लस 9, समझ आया, फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई रिलेशन है क्या, नहीं। प्रोडक्शन 10% से बढ़ेगा, सेल्स वॉल्यूम 10% से बढ़ेगा, तो क्या फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ेगी क्या, नहीं। फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, 60,000 की 60,000, लेकिन वो क्या रहेगी, कॉस्ट के हर कंपोनेंट में 2% हम क्या कर देंगे, कमी ले आएंगे, तो 60,000 की जगह नेक्स्ट ईयर में कितना लगेगा, 60,000 माइनस 2% कितना, 58,800। क्वेश्चन इसको एक बार वापस देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 151,580 माइनस 58,800, तो ये आ गया आपका 92,780, क्लियर, 92,780, इज इट ओके। इसको एक बार ध्यान से समझिएगा, देख लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं, वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे सेल्स वॉल्यूम 10% से बढ़ेगा, तो सेल में भी 10% होगा, वेरिएबल कॉस्ट में भी 10% होगा, 2% सब में रिडक्शन है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में वो 10% नहीं होगा वॉल्यूम की वजह से, सिर्फ उसमें 2% जो रिडक्शन होगा उसी का एडजस्टमेंट करेंगे, क्लियर है। तो इसके साथ आपके स्टडी मटेरियल की ये क्वेश्चन है जो कंप्लीट होते हैं। अब इससे आगे जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके, टोटल इसमें कितने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं आपके 19, जिसमें से आपको कौन सा नहीं करना है, कॉस्ट एंड डिफरेंस का जो आएगा ये 18 जो है इसको नहीं करना है, एक और एक आपको नहीं करना है, और एक आपको नहीं करना है, 6 के अंदर हो सकता है आपको डाउट है, अगर आए तो कमेंट के अंदर बता दीजिएगा, और भी कोई क्वेश्चन में डाउट आए तो वो बता दीजिए, ताकि हम कल उसको डिस्कस कर लेंगे, और एक क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो ये 18 है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस करने, बाकी के जो क्वेश्चन है 1 से लेके 19 तक, उसमें से बाकी के सारे होमवर्क हैं, जो क्वेश्चन आपके नहीं हो वो मैं आपको कल करवा दूँगा। शुरुआत में
5-6 दिन अपन जो है 1-1 आवर की क्लास लेंगे दोनों के, अकाउंट और कॉस्ट दोनों के 1-1 आवर के पे धीरे धीरे 1.54 तक जाएंगे। शुरुआत के अंदर एक बार एकदम बैठा दें, और अभी जब टाइम टेबल बनाए तो एकदम से ऐसा नहीं बनाएंगे सुबह 4 बजे उठेंगे, थोड़ा धीरे धीरे आज कल से आधा घंटा पहले उठूंगा। और कोई ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग उठो या कोई रात को पढ़ना चाहिए, जैसा आपका आपका जो बॉडी जिस तरीके से आपको सूट करती है, जो टाइम टेबल आपकी बॉडी को सूट करता है वैसा टाइम टेबल बनाए, ताकि आपका लॉन्ग ड्यूरेशन में चलेगा, आपको उसमें फायदा होगा और आराम से क्लियर कर पाओगे। समझ आ रही बात? ऐसा नहीं कि अब जैसे मुझे सुबह उठने के बाद नींद नहीं आती है, मेरे को सुबह उठ के पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं ऐसा टाइम टेबल बनाऊँ कि सुबह 4 बजे उठ के मैं पढ़ूंगा, तो वो मेरे लिए बेकार है, बिना फालतू के परेशान हूँ। मेरे को रात को पढ़ने में आसानी रहती है, मैं माइंड एकदम कूल रहता है, मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, तो मेरे को ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसमें मैं रात को पढ़ लूँ। क्लियर? तो टाइम टेबल किसी को देख के नहीं बनाए, अपने हिसाब से अपने जो स्ट्रेंथ है वीकनेस है उसके हिसाब से डिसाइड करें। क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो ट्राई कीजिएगा, मेरा कितना भी पढ़ाया हुआ या किसी भी टीचर का कितना भी पढ़ाया हुआ आपको पास नहीं करवा सकता, आपके हाथ से की गई प्रैक्टिस ही आपको पास करवा सकती है। ये चीज़ आप आज ही गांठ बांध लीजिए, आपको कोई और टीचर पास नहीं करवा सकता, आपको सिर्फ आप खुद पास करवा सकते हो। तो अपना 100% दें, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्लियर? अब ये जो होमवर्क हो वो होमवर्क आप 100% करें। ठीक है, तो पहले 5-6 दिन अपन 1-1 आवर लेंगे, ठीक है, उसके बाद में टाइम बढ़ा देंगे। आप चिंता ना करें कि सिलेबस होगा कैसे 45 डेज के अंदर, वो सारी मेरी अड्डे के मैं करवा दूंगा आपको, उसके बारे में सोचने की या चिंता करने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, जो जो क्वेश्चन में डाउट है वो कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं कल।